शहर छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण के तमाम दुश्वारियों के बीच महंगाई सितम धा रही है। दूसरी लहर में पेट्रोल व डीजल के साथ साथ खाने पीने के भाव में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक माह में सरसों का तेल 70 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। रिफाइंड और वनस्पति घी आदि के दाम उछल गए। दालों का भाव भी आसमान छूने लगा है। अरहर की दाल 50 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। उड़द, मूंग, मसूर और चना के दाम रेट में एकाएक इजाफा होने लगा है। ऐसे में खाने का जायका भी फीका पड़ने लगा है। उधर चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी बनाए रखना जरूरी है। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए प्रोटीन जरूरी है। दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, इसलिए भोजन में कोई ना कोई दाल अवश्य लें। लेकिन दालों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी के साथ गरीब को भी खरीदने से पहले अपनी जेब देखनी पड़ती है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। एक तो कोरोना से बचने के लिए दवा आदि का खर्च बढ़ गया है, वही अब दाल तेल आदि के दाम भी इतने हो गए हैं कि खरीदने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन खरीदना मजबूरी बन गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जनता कर्फ्यू का पालन कराने हेतु पुलिस प्रशासन NH 69 पर वाहनों की चेकिंग व चालान कार्यवाही कर रही है। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। जो लोग शहर में फालतू घूम रहे हैं उन पर समझाइश दी जा रही है और घर में ही रहें, और जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील भी की जा रही है। आपको बता दें कि कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं कि 7 दिन तक जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के सभी कलेक्टर SDM SP को सख्त निर्देश दिए हैं कि हमें कोरोना की चेन को तोड़ना है, जिसके चलते इटारसी शहर में प्रशासन सख्ती बरतता नजर आ रहा है और हमें कोरोना को हराना है। R9 भारत के लिए योगेश्वर राजभर की रिपोर्ट, होशंगाबाद। कोरोना महामारी की रोकथाम व लोगों को भीड़ नियंत्रण करने के उद्देश्य तथा जिला प्रशासन के आदेश पर नगर के चारों ओर नगरीय सीमा पर लगे चेक पॉइंट द्वारा बेवजह घूमने व बिना मास्क के पाए जाने वाले पर रोकटोक अभियान के अंतर्गत पुलिस ने सख्ती से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। बेवजह घूमने वालों को अजब अजब तरीके से कभी मुर्गा बनाकर, कभी ट्रेन बनाकर दौड़ाया और तो कभी शपथ दिलाई गई। कोरोना महामारी के चलते शासन और जिला कलेक्टर के आदेश का पालन करवाते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बेवजह घूमते पाए जाने और बिना मास्क के लोगों पर चालानी कार्रवाई कर उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया। प्रशासन की टीम का कार्य सराहनीय रहा। R9 भारत के लिए अनिल बांगा की रिपोर्ट, मनासा।